समाजवादी पार्टी आज मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है। अखिलेश यादव ने सैफई में नेताजी के समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि उन्हें अर्पित की है। वही आपको बताते चले कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पहले जयंती पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पहुंचे हैं और जो एक झूला लगाया गया है और झूले पर नेताजी की फोटो लगी है और झूले पर नेताजी की जयंती पर अखिलेश यादव ने पुष्प अर्पित किए हैं और प्रणाम कर नेताजी से आशीर्वाद लिया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी आज नेताजी के इस जयंती समारोह को धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है उसी के चलते अखिलेश यादव सबसे पहले पहुंचे हैं, अपने नेता मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर नेताजी के को पुष्प अर्पित किया और उसके बाद अपने लोगों से बात करते हुए वो निकलते हुए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज सैफई। मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि पीछे आना भाई रविंद्र यादव पहुंचे हैं और उनके साथ सारे लोग यादव के साथ साथ ही सबसे पहले नेताजी की समाधि स्थल किए पैर छूकर नेताजी का आशीर्वाद अखिलेश यादव के साथ साथ सभी ने आशीर्वाद लिया, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है और उसको लेकर सभी लोग सबसे पहले अपने नेता मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंच रहे हैं। उसी के चलते अखिलेश यादव भी पहुंचे और उन्होंने समाधि स्थल पर नेताजी को नमन किया। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। नेताजी मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती आज मनाई गई, जिसे समाजवादी पार्टी धरती पुत्र दिवस के रूप में आज मना रही है। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने समाधि स्थल पर जाकर एक यज्ञ किया और उसके बाद समाधि स्थल पर ही नेताजी को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जयंती मनाई जा रही है सैफई गांव में। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता को उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। शिवपाल सिंह यादव अपने लोगों के साथ एक यज्ञ में बैठे हुए हैं। समाधि स्थल के पास में शिवपाल सिंह और जो लोग हैं आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हैं। और जिस तरह से अपने जनप्रिय नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर हर कोई के मन में है कि उनको श्रद्धांजलि दे, और चूंकि आज जयंती दिवस है जिसको धरती पुत्र दिवस के रूप से समाजवादी और प्रसपा मना रही है, उसको लेकर आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आंखें भी नम हैं। कैमरामैन करण सिंह कांगड़ा के साथ अमित मिश्रा, सैफई। अब क्या आज जिस तरह से जयंती मनाई जा रही है और उसको लेकर हर कोई अपने नेता को सैफई में आकर श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है। तो आप देख सकते हैं शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे हैं और अपने बड़े भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जिस तरह से आप को मैं दिखाना चाहूँगा कि शिवपाल सिंह यादव अपने सबसे पहले उन्होंने यज्ञ किया और उसके बाद आकर श्रद्धांजलि दी। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव को शिवपाल सिंह यादव ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, क्योंकि आज पूरा समाजवादी जो लोग हैं, जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं और सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो अपने प्रिय नेता को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पुष्प सुमन अर्पित कर रहे हैं और कम से कम आज अपने प्रिय नेता को याद किया जा रहा है।
तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहले तस्वीर में हवन में पूरा यादव परिवार मौजूद रहा, तो वहीं समाधि स्थल पर नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें इटावा से हैं, जहां पर आज मुलायम सिंह यादव की यानी कि धरती पुत्र की जयंती मनाई गई है। तो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, उनको याद करने का कार्यक्रम है। याद तो हमेशा ही किए जाएंगे, लेकिन ये उनका जन्मदिन है, इसलिए एक विशेष मौका होता है। 11 अक्टूबर से लेकर आज तक पत्रकारों में, अखबारों में, समाजवादी किताबों में और आम समाज पत्रों में नेताजी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मीडिया ने लगातार 10 दिन नेताजी के जवानी से लेके अब तक का सारा सफ़र बताया। कैसे मेरे तो पड़ोस के थे, वो बहुत करीब परिवार से भी रहे, तो हमने उनका जवानी देखी है छोटे पर, बाद में मैंने उनका जज्बा देखा है,